हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लाया हूँ एक शानदार वीडियो जिसमें आपको ट्रैक चेन का गियर लीकेज हो रहा है उसका सील चेंज करने के लिए मिलेगा। अभी हम ट्रैक चेन खोलने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ये देखिए ट्रैक डिवाइस पूरा असेंबली खुल चला ना। ये नीचे से गियर ऑयल लीकेज हो रहा था। चेन को हम हीट करके पिन निकालेंगे, मास्टर पिन। देखिए कैसे मास्टर पिन को हम हीट करके निकाल रहे हैं। देखिए मास्टर पिन निकल गया। अभी हम चेन को निकाल देंगे घुमा के। छोटा पाइप टानो अभी हम देखिए फ्रेंड, जो गियर बॉक्स है, ट्रैक गियर बॉक्स असेंबली है, उसका जो कवर है उसको खोलेंगे। यहाँ से गियर लीकेज होता है, उसका कवर का प्लेट वही खोलेंगे। इसमें 8 नंबर रेलिंग की लगता है। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, गियर रिंग से लीकेज हुआ था, इसका फ्लोटिंग सील कट गया है। ये पहले प्लेट निकला, प्लेट देखिए ये भी फ्रेंड्स, ये थ्री गियर वाला फास्ट स्टेज गियर है। अभी जो हम अभी निकाल रहे हैं वो फास्ट स्टेज गियर बॉक्स है। अभी जो दिख रहा है और एक है वो सेकेंड स्टेज है। अभी हम उसका लॉक निकाल रहे हैं। Thank you.
अब इसको बांध के बाहर निकालेंगे। ये बहुत टाइट है, निकल नहीं रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये असेंबली निकल गया है। अभी इसको जितना भी सब सामान निकला है उसको भी हम साफ करेंगे। जितना टॉस्टेरिया लगा है, मिट्टी लगा है, ख़राब हुआ है सामान, उसको भी हम साफ करेंगे डीजल से। देखिए ये साफ करने का शुरू हो गया है। ये नया फ्लोटिंग सेल है। देखिए डीजल से कैसे साफ कर रहे हैं, अच्छे से साफ करना जरूरी है। हमारा सब पार्ट्स अभी साफ हो गया, देख लीजिए।
ये एफसील अभी बिठा रहे हैं। यहाँ पे भी नया सेल बिठा रहे हैं। दोनों साइड अच्छे से बिठाना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है इसको लगाने में। फाइनली सील हमारा नया लग गया है। अभी हम उसको लगाएंगे बॉडी में, इसका जो जहाँ पे लगा था उसको लगा के लॉक लगाएंगे। अभी इसको हम उठा के ऊपर बिठा रहे हैं उसको। देखिए कैसे इंजन पकड़ के उठा के लगा रहे हैं उसको। चलो चलो देखो थोड़ा चलो उठा। वन साइड ही देखो, कैन साइड आदि जाए कैन साइड कौन वन साइड ही तो ठीक है। ऊपर आड़ी जीबा ऊपर आड़ी मत एडी मारे एडी यारों मारे पड़े जीबा जी धीरे 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 देखिए फ्रेंड ये अंदर जा रहा है, उसको ठोक के अंदर ले रहे हैं हम। अरे नहीं ऐसे एक काम करो बोला तुम बक्का टाणी रखो तो ठीक है। ये पूरा अंदर चला गया। नहीं नहीं ठेला ठेले नहीं और रस्सी निकाल दिए। अब उसको हम लॉक लगाएंगे। स्पेशल जुगाड़ कर रहे हैं एक जैक और एक मशीन के माध्यम से, उसको अंदर ठेल के उसका जो लॉक है वो लॉक लगाएंगे। अभी
ठंडा लग रहा है। देखिए कैसे लॉक पिन लगा रहे हैं। ये लॉक पिन लगाने का सही तरीका है, इसी को ही फॉलो कीजिए, आपका लॉक पिन आराम से लग जाएगा। देखिए जेक रोड के माध्यम से हम लॉक पिन लगा रहे हैं अभी। देखिए लॉक अंदर जा रहा है, ये लग गया, आराम से लग गया। अभी हम इसको निकाल देंगे। साफ करके हम ये फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज इसका सन गियर्स ड्राइव शाफ्ट और प्लेट कवर सब लगा देंगे अभी। ये सेकंड स्टेज गियर बॉक्स हम लगा रहे हैं अभी, गियर इसको आराम से सेफ्टी के साथ लगाना है। अभी हम ट्रैक को थोड़ा ऊपर उठा दिए हैं क्योंकि ये उठा देने से थोड़ा आसानी से लग जाता है। ये हो गया फर्स्ट स्टेज। पहले हम सन गियर लगा दिए थे, ड्राइव शाफ्ट लगा दिए। अभी थोड़ा चेकिंग के लिए हम इसको ऑपरेटिंग करेंगे, काम कर रहा है कि नहीं सही। देखिए लेफ्ट राइट दोनों साइड चेक कर देंगे आगे पीछे। अभी ओरिंग लगाना टाइम आ गया है, अभी ग्रीस थोड़ा देखिए ओरिंग लगाएंगे। बॉडी वाला बाइक दिसी चला बहुत दिन है वहां छोटे ना बगर दिसी मोते गोटे कोथरे गोटे कपड़े आइया लग जावे लगा रहा था उसी लगे उस कवर लगाएंगे। कवर में जो वेलिंग की आठ नंबर लेंगे लगाए थे उसको भी टाइट कर रहे हैं।
से आज फोन ही उठे बोले ला उठे बड़ी हम ग्यारल टॉप अप कर रहे हैं, इसका जो लेवल है वहीं पे ग्यारल रखेंगे। तो अभी हम फिर से ट्रैक्शन लगा रहे हैं, उसका मास्टर इंजन भी लगा देंगे। अभी इस पोजीशन पे रख के फास्टर पिन लगा रहा है। फास्टर पिन लग गया। अभी हम उसे ग्रीस वाल्व लगा के ग्रीसिंग कर देंगे और चेन को टाइट कर देंगे। टिक्के जी, ये ग्रीस वाल्व लगने का जगह, यहाँ पे ग्रीस वाल्व लगता है। देखिए यहाँ पे ग्रीस वाल्व लग गया, इसको टाइट भी करना है, अभी टाइट कर दिया। देखिए अभी ग्रीस चल रहा है, ग्रीसिंग करने के बाद चेन टाइट पूरा हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, मेरा ऐसा ही वीडियो आपको आता रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलते हैं फिर, नेक्स्ट वीडियो आएंगे आपको ज़रूर बताएंगे। नमस्कार।